लफ्जों में कहां दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तो रोकता है क्यों भरना अल्लाह, किस बात की सजा मिल रही है मुझे? देख रही है तू ये घर कैसे एक एक करके खाली हो रहा है? ऐसा लगता है यहाँ खाली दीवारें रह जाएंगी। हाय, ये जगह देख कैसे खाली हो गई, यहीं तो बैठते थे वो। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे वो इस दुनिया से चले गए हैं। अम्मी आंटी, कैसी बातें कर रही हो? देख, इस रिमोट को हर वक्त उनके हाथ में रहता था। आपा, ग्रेसन फोन करके कह दिया ना कि जब वो वहां पहुंचे तो हमें बता दें। हाँ, कह दिया है उनको। एमएनए आंटी, देखिए मुझे दादा के कमरे से क्या मिला। दिखाओ मुझे। अरे, ये तो बाबा बनवा के लाए थे अजमी मैडम को पहनाने के लिए। अरे, लेकिन ये यहाँ क्यों है? मंगनी के बाद तो अंगूठी उंगली में होती है, ये देखो। कहीं दोनों में अलहदगी तो नहीं हो गई? सही कहा इसने, 100% यही बात है, वरना मेरे बाबा मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाते। जरूर कोई बड़ी बात हुई है, जब ही गए हैं वो यहाँ से। इसका मतलब ये हुआ उनका दिल बहुत बुरी तरह टूटा है, यहाँ उनका सांस लेना भी मुश्किल था। और मेरे प्यारे दादाजी कितने अफसरदा होंगे ना। आखिर मैडम अजमी ने इनकार क्यों कर दिया? खैरियत तो है, कहीं जा रहे हैं क्या हम दोनों? हुआ क्या है? जवाब तो दो मेरी बात का। लग तो नहीं रहा कि बुखार है तुम्हें? और होना क्या है मुराद, हमने कहाँ जाना है इस वक्त? परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हयात, इस वक्त कैसी बातें कर रही हो तुम? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ। मेरा मतलब है मैं थोड़ा सुकून करने के लिए जा रही हूँ। तुम तो वैसे भी यहाँ सुकून से ही हो ना। तुम गजल से जेलस हो? मजाक मत करो यार। अम्मी का जो फोन आया था, मैं बस उसी बात को लेकर परेशान हूँ और कुछ नहीं हुआ। तो ठीक है, फिर तो आप जा सकती हैं। हाँ, अगर दादाजी की कोई खबर मिले तो जरूर बताइएगा। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ तुमसे, तुम्हारी अम्मी ठीक लगती है मुझे। ये बात तो मैं जानता हूँ। मिस हयात, गजल को यहाँ रुकने की क्या जरूरत है? तुम्हारी अम्मी भी उसे पसंद नहीं करती, तुम उसके करीब क्यों हो रहे हो? भला ऐसी कौन सी हमदर्दी है? हमदर्दी जैसा तो कुछ नहीं है। कल मुझे गजल के साथ एक काम से जाना होगा। आखिर लेकर कहाँ जा रहे हो तुम उसको मुराद? हाँ, इज्मत जा रहे। इस बात से तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त तुम? मुराद साहब को कुछ देने के लिए आई थी मैं। हाँ तो मुझे दे, तो मैं दे दूंगी। नहीं, वो आपको कहीं जाना है, आप चली जाएं, मैं दे दूंगी उन्हें। नहीं, मैं अब कहीं भी नहीं जा रही हूँ। मैं सब समझती हूँ तुम्हें क्या काम हो सकता है। पेपर देने आई हूँ बस। ओ, आई एम सो सॉरी। ये बात है तो तुम अंदर जाकर मिल सकती हो उससे। गजल मैडम, कहाँ मुंह उठाकर जा रही हैं आप?
ये प्राइवेट है, ये हमारा बेडरूम है, ये शादीशुदा जोड़े के लिए है। वैसे तो पढ़ी लिखी लगती हो, कुछ तो तमीज होनी चाहिए तुम्हें। हाँ, मैं भी तो यही सोच रही थी। अच्छा तो सोचती भी हो। आ गजल, नंबर लेकर आई हूँ। बहुत अच्छा काम किया तुमने। अरे क्या हुआ, तुम तो जा रही थी। बिल्कुल नहीं, मैं आधी रात को बाहर जाकर क्या करूंगी भला, और दादा कोई बच्चे तो नहीं है। तो ठीक है, सो जाते हैं। ओके, गुड नाइट। ऐसा सोचना भी मत समझी। मैं तो बस संभाल कर रख रही थी इसे, और मैं क्यों छेड़ूंगी तुम्हारे लेटर को भला। मैं चेंज कर लेती हूँ। तो इसकी वजह से रुकना पड़ा। यहां तो बहुत ठंड है खालिद, मेरे तो हाथ पांव बर्फ की तरह हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरी रूह भी जम जाएगी। ये उम्र का तकाजा है दादा। ये क्या बात हुई कि उम्र का तकाजा है? आपकी उम्र में सर्दी ज्यादा लगती है। सच कह रहे हो, वाह खालिद। क्या झूठ है? नहीं नहीं, तुम्हारा तो 50 साल का तजुर्बा है। हाँ ये अलग बात है, अगर आप शादी कर लेते तो बात कुछ और होती दादा। अच्छा अच्छा, बस ज्यादा बकवास मत करो, लकड़ियां जलाओ। लकड़ियां गीली हैं, नहीं जल रही। तो मैं अब क्या करूं, यहाँ लेकर भी तो तुम ही आए थे, तो क्या ये लकड़ियां जब जलेंगी, जब मैं बर्फ बन जाऊंगा? अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, आप ही आना चाहते थे इस पहाड़ी इलाके में, मैंने तो आपकी ख्वाहिश पूरी की, और मुझे तो यही जगह सही लगी। मैं दुनिया थोड़ी घूमता हूँ, आप तो सारा इल्जाम मुझ पर डाल रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, गलती हो गई तुमसे ये काम बोलकर, और जुबान से ज्यादा अपना दिमाग चलाओ, लकड़ियां जलाओ जल्दी से। कहा ना लकड़ियां गीली हैं, थोड़ी देर से जलेंगी। और अगर ये लकड़ियां नहीं जली तो सारी तेरी कमर पर आजमाऊंगा। दादा ये क्या था? भेड़िए हैं और क्या। मेरा भाई वो अभी तक बाहर है और फोन भी काम नहीं कर रहा। तुम इसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, वो उनसे निमट लेगा, बहुत बहादुर है वो। सच कह रहे हैं? अरे एमने, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ अजमी साहिबा। जाओ आरिया, तुम अपना काम देखो जाकर। आओ बैठो तो सही, फिर बताओ हुआ क्या है। आपने बाबा से ऐसा क्या कहा कि वो हमें छोड़ के चले गए? कहाँ से चले गए? घर से, अपना सामान उठाया और चले गए। तो अपने गांव गए होंगे? नहीं, वो वहाँ भी नहीं है। या अल्लाह। अरे अम्मी आप कब आई? बस बेटा अभी आई हूँ। इतनी सुबह सुबह आई है, खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है, तुम्हारे दादाजी चले गए। कैसी बातें करती हैं? दादा कोई बच्चे तो नहीं है जो गुम हो जाएंगे? ओह कितने आराम से कह दिया तुमने, बच्चे थोड़े ही हैं चले गए, वो दादा हैं तुम्हारे, कुछ तो फिक्र होनी चाहिए तुम्हें उनकी। हाँ नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है वो बिल्कुल ठीक है। खालिद भाई से बात हुई थी, दादा जान किसी वजह से परेशान होकर गए हैं। किस वजह से? शायद वो वजह ये हो सकती है। सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि ये सब कुछ क्यों हुआ।
ये अच्छा किया तूने खालिद, थोड़ी गर्माइश मिली है इससे। सही है सही है, जरा घुटनों की तरफ लगा। अरे ये क्या कर रहा है? मैंने कहा घुटनों की तरफ लगा, तू मेरे मुंह पर मार रहा है। लगता है मेरा मुंह जलाना चाहता है तू। लाए मुझे दे। दादाजी मुझे अपने भाई की फिक्र है। अरे तेरा भाई कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी है। आ गया शायद। हाँ हाँ अल्लाह करे वही हो, जाकर खोलो दरवाजा। दादाजी सिपाही आ गए, हाथ में जो भी है छोड़ दें, इसे बंद कर दीजिए और अपने हाथ भी नीचे कर लीजिए। अरे तुम्हारे अचानक आने से हम लोग डर गए थे, क्या कोई बात हुई है? हामिद आर्गन किसका दोस्त है? मेरा भाई है। हमें कुछ ही दूर वो बर्फ में पड़ा हुआ मिला है। ओए होए, ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? उसके पास से ये बैग मिला है जिसकी वजह से हम मजबूर हो गए आपके पास आने को, क्योंकि फोन काम नहीं कर रहे इसलिए हम यहाँ आए। बहुत शुक्रिया। हाँ ये मेरे भाई का है। कहाँ है अभी वो? अस्पताल में। ओ सुना आपने दादाजी? हाँ 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 मैंने सुन लिया खालिद। दादाजी मैं अपने भाई के पास जा रहा हूँ। हाँ हाँ चले जाओ, लेकिन अकेले कहाँ जाओगे, तुम्हें रास्ता नहीं पता। हम ले जा सकते हैं। हाँ दादाजी मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखिए। अरे तू मेरी परवाह मत कर, चला जा। बेटा बात सुनो, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? जी हाँ जरूर। देखो ये लकड़ियाँ कितनी गीली हैं, जल नहीं रही। ये गीली कैसे हो गई? ये बाहर से काट कर लाया है। वो जो लकड़ियाँ पीछे पड़ी हुई हैं वहाँ से ली हैं आपने? वहीं से ली हैं। ओह तेरे काम का जवाब नहीं है खालिद, एक तो काम गलत करता है, ऊपर से डांटो तो कहता है दादा जान डांटते हो। बेटा लेके जाओ इसको, तू अपने भाई से मिलकर आ जा। बड़ा अकलमंद बना करता है। दादी आप बैठी हुई क्यों, खाइए ना। कैसे खाऊं बेटा, मेरी समझ में नहीं आ रहा उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की है। हाँ कुछ तो हुआ होगा ना उनके साथ। कितनी बार कहूं मुझे कुछ नहीं मालूम। अम्मी जान आप क्यों कर रही हैं ऐसी बातें? चले अब हमें चलना चाहिए। हाँ चलो, चलती हूँ बेटा, खुदा हाफिज। ठीक है खुदा हाफिज। चलती हूँ मैं। ठीक है दादी जान मैं भी चलता हूँ। औरिया बोले मुराद सर। गजल से बहुत जल्दी तैयार हो जाए। ठीक है। कहाँ जा रही हो? रुको तो जरा कुछ दिखाना है। ये अभी तक मेरी उंगली में है, नहीं ले सकी इसे। मुझे कोई जरूरत नहीं, अपने पास ही रखो तुम ये। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये बात तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि नहीं ले सकी मुझसे। लगता है मेरी चालें भूल गई हो तुम। मत मारो मुझे, मत मारो दारिया। क्या कह रही हो, ये मैंने कब मारा, पागल हो गई हो? हाँ बिल्कुल पागल हूँ मैं। बेटा मुझे बचाओ, ये मुझे मार रही है। चुप चुप चुप, नीचे सब घर वाले ऊपर आ जाएंगे, चुप हो जाओ, खामोश। अच्छा तुम्हें अंगूठी चाहिए ना, ये अंगूठी लो और अब बंद रखो अपना मुंह। देख लिया तुमने, हासिल कर ली ना मैंने अंगूठी। देख तो लिया है आज, किसी नागिन से कम नहीं, लेकिन याद रखना तुम्हारा असल चेहरा सबको दिखा कर रहूंगी। बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, मत मारो। चुप हो जाओ, क्या हो गया, तू पागल हो गई हो क्या? सब चेहरे ऊपर आ जाएंगे। नारिया मॉम। बेटा नारिया, क्या हो रहा है ये सब कुछ? ये पागल हो गई है, मैंने कुछ नहीं किया। जान से मारना चाहते हैं क्या मैंने? मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया, नहीं मारा इसे। बेटा इसने मुझे मारा क्योंकि ये मुझे हयात को देनी थी। अब तुम आ गए हो तो ये हयात को दे देना, लेकिन इसको मत देना, ये उसे भी मारेगी। ये औरत झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ दारिया, तुम इससे दूर रहा करो, तुम्हें यहाँ नहीं रहना तो चली जाओ। मैं कह रही हूँ आपसे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस पागल औरत ने अपने आप को खुद ही मारना शुरू कर दिया और फिर आप लोगों के सामने मेरे पर इल्जाम लगाने लगी। ओके ओके बस करें, अब बहुत हो गया। अंगूठी दीजिए, लाइए। ये लो बेटा। ये लें दारिया मॉम, रखें। ये मुझे क्यों दे रहे हो? मेरे बाबा की बीवी की हैसियत से। लेकिन बेटा। बस और कुछ नहीं,
दादी जान गजल से कहें कि वो आज अम्मी के पास रहे, मुझे जाना है, मजीद को हंगामा ना हो। ठीक है बेटा। तुम दोनों को तो खुदा पूछेगा, आइंदा इस घर में अंगूठी का नाम ना आए किसी की जबान पर। दोनों अच्छी तरह समझ गई? जो खेल तुमने शुरू किया है उसमें तुम हारोगी, याद रखना। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आखिर मुराद कहां रह गया है, आ क्यों नहीं रहा ये? एक नंबर की बेवकूफ हो तुम। आखिर किसने मशवरा दिया था यहां पर आकर छुपने का तुम्हें? आ रहा है ये तो। मैंने तो सिर्फ एक ही दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी है, तो गजल कहां से आई होगी? क्या गजल नहीं आई है? पागल हो जाऊंगी, मैं बेवकूफ हूँ क्या? बिल्कुल हो तुम। इसने मुझसे कुछ कहा? कैसे पता है कि मैं यहाँ हूँ? अब ये रुक क्यों गया है? कहाँ चले गए हूँ? बेहतर है बाहर आ जाओ, छुपके क्यों बैठी हो? पीछा कर रही हो मेरा? अकेले क्यों हो तुम यहाँ पर? पहले मेरी बात का जवाब दो। जासूसी कर रही हो ना तुम मेरी? हाँ? नहीं तो? तो फिर गाड़ी में क्यों छुपी थी? क्योंकि क्योंकि मेरे कान का बुंदा खो गया था, उसी को ढूंढ रही थी। और फिर मैंने देखा कि कार स्टार्ट हो गई, और जब कार स्टार्ट हो गई तो फिर मैंने शोर नहीं मचाया और तुम्हें लगा मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। अच्छा तो आपके कान का बुंदा खोया है? तो कान तो चेक नहीं किया होगा आपने? हाँ। पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ रहता है। बच्चों वाली हरकतें करने में, सिर्फ खेल कूद में। मैं जो भी काम सीधा करने चाहता हूँ तुम उसे उल्टा कर देती हो। पता नहीं क्या सोचती हो तुम। नहीं तो? ऐसा कुछ नहीं सोचा मैंने, और ना ही मेरी ऐसी कोई प्रॉब्लम है। तो फिर तुम गाड़ी में क्यों छुपी थी? चलो सुना गजल से। फर्ज करो ये सच है, और जो कि सच नहीं है मैं उससे क्यों जेलस होंगी? मतलब पूरे जमाने में एक वो ही रह गई थी मुझे जेलस करने के लिए? ऐसा है क्योंकि तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है। मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। कहना क्या चाहते हो? सोचो, समझ आ जाएगी। चलो बैठो। मिस्टर मुराद अभी नहीं आए, आएंगे तो बता दूंगी। ओके बाय। कैसी हैं आप? मिस खूबसूरत, आपके बॉस आ गए? एक्सक्यूज मी, मुराद सर का पूछ रहा हूँ, क्या वो आ गए? हाँ मुराद सर। मुराद सर अभी नहीं आए। अब तक नहीं आए? अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगी जब वो आएंगे ऑफिस। ओके, शुक्रिया।
हेलो बुलंद, मुराद सर सलमान सुबह आए थे क्या? ऐसा है? खुदा जाने ये आदमी कहाँ है। अच्छा ठीक है, फिर से शुरू हुआ तो वो कॉल करे तो मुझे बताना और फौरन मुझे मैसेज करना अगर वो तुमसे मिलना है, समझ गए? ओके। आखिर ये है कहाँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। और अब तक ऑफिस क्यों नहीं आया? इसका क्या मतलब कि तुम मुझे अपने जैसा समझती हो? तुम्हें पता नहीं चला कि तुम मुझसे भाग नहीं सकते हो? हाँ, मुझे अपने पीछे भगाने में बहुत मजा आता है ना तुम्हें? अब इधर उधर क्यों देख रहे हो? मेरी आंखों में आंखें डालकर बात क्यों नहीं करते हो? हयात रिलैक्स रहो, चले इस बात को भूल जाते हैं। देखो मुराद, आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? कहाँ जा रहे हो? बताओ मुझे, कार में जो तुमने कहा उसका क्या मतलब था? कुछ कहते क्यों नहीं हो मुराद? जवाब चाहिए। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? आखिर इस बात का क्या मतलब हुआ मुराद कि तुम मुझे अपने जैसा समझती हो? देखो मुझे परेशान मत करो, अगर तुम वाकई इतने खामोश तबीयत इंसान होते तो नौबत यहाँ तक आती ही नहीं। तबीयत तो ठीक है ना मुराद? क्या हम डॉक्टर के पास चले? कल रात से बहुत अजनबी लग रहे हो तुम। अजनबी लग रहा हूँ? मेरा मतलब है कल रात तुम बिल्कुल अलग लगे। हाँ, जैसे आपने तो बहुत तैयारी करके रखी थी और मैंने कुछ नहीं कहा। चलो अब कहता हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो हयात। मेरा मतलब ये नहीं था। और तुम ये भी सोच रही होगी कि मैंने क्यों कुछ नहीं किया, इसी तरह की ऊटपटांग बातें रात से सोच रही हो। अब तक तो दिमाग पक गया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, तुम्हारी ये सोच बिल्कुल ठीक है, तुम्हें ये बात बिल्कुल सोचनी चाहिए क्योंकि आप मेरी बीवी हैं और आपको पूरा हक है शक करने का मुझ पे। बस बस बहुत हो गया, ये क्या बातें लेकर बैठ गए हो तुम सुबह सुबह? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, मुझे बस ये बताओ कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? कुछ बोलते क्यों नहीं मुराद सर सलमास? फिलहाल तो आप खामोश हो जाइए, मेहरबानी होगी आपकी। मुराद, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल कपल, आपका दिन कैसे शुरू हुआ? अपना बताओ, तुम्हारा कैसे स्टार्ट हुआ? हाँ, बहुत अच्छा। तो तुम मेरा ही इंतजार कर रहे थे ना बात करने के लिए? आओ ऑफिस में चलते हैं। और हयात, तुम प्लीज एक काम करो, टूवल आजकल बहुत परेशान है, वो अभी डिप्रेशन से बाहर नहीं आई है, तुम जाओ उसके पास, जरा हौसला दो उसे। ओके ठीक है, जा रही हूँ मैं। बैठने के लिए नहीं कहा मैंने तुम्हें। आखिर मैंने तुम्हारी अटेंशन हासिल कर ही ली और इसी अटेंशन का मुझे बेसब्री से इंतजार था। हम दोनों को साथ देख के हैरान होगा तुम, बस तुम्हारे मुंह पे एक अच्छा सा निशान बनाना बाकी है। हाँ, बॉक्सिंग के लिए तैयार हूँ मैं। तुमने जो जाल फेंका है इस बार उसमें नहीं फंसूंगा। तो तुम ये डील कैंसिल नहीं करोगे? हाँ बिल्कुल नहीं। तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि सार्टे अभी बहुत सी मुश्किलात में घिरा हुआ है और अगर मैं भी ये डील कैंसिल कर दूंगा तो तुम्हारा जहाज डूब जाएगा। तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती मुझे। नहीं, दरअसल सच सुनकर तुम पागल हो गए हो। रुको, मैं बताता हूँ सच क्या है। हयात, वो मेरी मोहब्बत है। तुमने जो भी सुना है मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, मैं उसे मजीद दुख देना नहीं चाहता और टूवल को भी दुखी नहीं देख सकता, वो बहुत हसास है। तुमसे दोस्ती करके वो वैसे ही बहुत दुखी है। देखो एमरे, ये सब कुछ मेरे लिए नया नहीं, इन हालात से मुझे निपटना आता है। तुमने टूवल का गलत फायदा उठाया, अब मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुमने हयात या किसी और को इस्तेमाल करके मुझे तकलीफ पहुंचाई तो फिर मुझे कोई रोक नहीं सकेगा तुम्हें बर्बाद करने से, अंजाम बुरा होगा। समझ तो गया होगा। मीटिंग इज ओवर, यू कैन गो नाउ।
अब जो मैं कलेक्शन लॉन्च करूंगी उसे सब देखकर कहेंगे ओ कितनी प्यारी कलेक्शन है। टूल, मैंने कल मुराद से कुछ कह दिया। क्या कह दिया लड़की? कलेक्शन लॉन्च करने से मना कर दिया। पागल हो गई हो क्या? आखिर तुमने ऐसा कहा क्यों उससे? हाँ समझ गई मैं कि तुम बहुत एक्साइटेड हो उस काम को लेके। तुम अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं लेना चाहती। मेरी बात गौर से सुनना, ओके? क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ। साटे पे बहुत ही बुरे दिन आने वाले हैं। मौका परस लोग हमारी चारों तरफ हैं। हर कोई हमारे फेल होने के इंतजार में है। ये मुमकिन है? सिर्फ एक चीज है जो हमें बचाएगी, तुम्हारा कलेक्शन। तो अब बताओ कि हमें ये कलेक्शन क्यों नहीं करनी चाहिए? टूल यार, एमरे की वजह से मना कर दिया। उफ, या अल्लाह, पता नहीं तुम्हें क्या प्रॉब्लम है उस लड़के से। आखिर देखो, किसी और की वजह से अपने काम में रुकावट नहीं डालते। और अच्छा ये होगा कि अभी मुझे अकेला छोड़ दो। शायद वो ऐसा ना हो, और शायद मुझे ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? यही तो प्रॉब्लम है, मुझे भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं पता, और मुराद ने भी कुछ नहीं कहा। मैं बताता हूँ, कई महीनों से तुम स्टूपिड काम कर रही हो। अपनी पूरी सलाहियत से कॉफी बनाती हो उसके लिए हयात। वो स्टॉप मिस्टर एमरे, ओके? गौर से सुनना बात, ऐसे कैसे काम चलेगा स्टूडेंट और एक टीचर की तरह। और वैसे भी हमें शुरू से ये थोड़ी मालूम था कि हयात में ये सलाहियत भी है, और शायद इसी वजह से तुम मुराद और मुझे इसका जिम्मेदार समझते हो। हे नो 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 टूल, मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दे रहा, मैं हयात से कह रहा हूँ। इसने अपने लिए बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें मालूम है मैं सच कह रहा हूँ। मेरा मशवरा है, आगे की सोचो। कैसी बातें कर रहे हो उसके सामने? सच ही तो कह रहा हूँ मैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, ताजा हवा तो नसीब हुई। हर जगह सुकून ही सुकून, गरम गरम कहवा और रोटी। गरम कहवे की चुस्की, पहली चुस्की लेते ही तरोताजा हो गया। ये होती है खुशी। लेकिन मैंने मोहब्बत का दुख 50 साल झेला है। 50 साल में बहुत दुखी रहा आजमी, अब ये खत्म हुआ। अब कोई दुख नहीं सहूंगा, कुछ नहीं सहूंगा। मुझे अब तक गरम गरम रोटियों की खुशबू आ रही है। ओए होए होए, ये जली हुई रोटियों की खुशबू तो यहाँ से आ रही है ना, देखा ना? ओहो, तुम्हारी वजह से मेरी सारी रोटियां जल गई अजमी। सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में खोया था, और देखो आज क्या हुआ है। मेरा दिल भी जला है और मेरी डबल रोटी भी जल गई। लेकिन मुझे बस एक बात की खुशी है कि मरने से पहले मैंने तुम्हें एक दफा देख लिया। तुम कहाँ चले गए हो हशमत, वो भी मुझे अकेला छोड़कर? कुछ बीमार थे तुम, शायद इसलिए चले गए हो। जाने से पहले कुछ भी नहीं कहा, वापस आओगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उफ, ये तो बेक होकर कयामत लग रहा है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। निकालने तो दो इसे। हाय, प्लेट्स लेकर आओ जल्दी। मैंने कहा प्लेट्स लेकर आओ, नियत क्यों लगा रही है उस पे? हाय अमने आंटी, आपको इतनी जल्दी क्या है? अगर ये यहाँ ठंडा हो जाएगा तो कौन सी कयामत आ जाएगी? बिल्कुल नहीं, मिल जाएगा, थोड़ा सब्र करो, दिल तो मेरा भी चाह रहा है।
सब्र तो मुझसे भी नहीं हो रहा है जब से इसको देखा है। थोड़ा सा तो रहम करें, टेस्ट करवा दें बस। नहीं, दो चार मिनट रुक जाओ, थोड़ा नहीं सारा दे दूंगी, सारा। अच्छा ठीक है, प्लेट लाओ। तुम वहां से बड़े वाला चमचा निकाल के लाओ। थोड़ा सा लगता है हमारे लिए निकाल रही हैं। नहीं देंगी। ऐसे क्यों देख रहे हो तुम मुझे? ऐसे ही मेरी नजरें आप पर जा टिकी। हाँ, मुझ पर जा टिकी। हाँ हाँ, कहीं और देखो या मैं बताऊं कहाँ देखना है, समझ गए? मछली की खुशबू, मछली बनाई है। ये मेरे लिए है? तुम्हारे लिए। रोटी मिल सकती है क्या? वो भी है, मगर पहले ये बताओ कि हमारे बाबा कहाँ हैं। मुझे क्या पता कहाँ है वो। तो फिर इसे भूल जाओ। अच्छा ऐसा है, तो मुझे खाना ही नहीं है। तो ये बात है। असली बेटा, इसे किचन में ले जाके तुम लोग खा लो, और इसके साथ थोड़ी सी प्याज काट लेना और नींबू भी छिड़क लेना इसके ऊपर, और चटनी के साथ खाना। जाओ इसको ले जाओ। लेकिन ये तो गलत बात है। अरे छोड़ इसे, सीरियस ही होगी। बाबा जान कहाँ हैं? हमें बाबा का पता दो और ये सारा तुम ले लो। आप तो ये बात जानती हैं ना, अगर मैंने आपको बता दिया तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। वो वहां बहुत खुश हैं, वो वाइल्ड नेचर में बहुत ही ज्यादा खुश हैं। वहाँ उन्हें खुश रहने दें। वाइल्ड नेचर में? दादाजी अफ्रीका चले गए? नहीं ना, वो अफ्रीका क्यों जाएंगे? जो बोलना था बोल दिया, इससे आगे कुछ नहीं बताऊंगा। अब तो मैं इसे खा सकता हूँ ना? ठीक है, ये तो तुम खा लो और मैं हयात को बताती हूँ। शुक्रिया एमने आंटी, आप भी मेरे साथ खा सकती हैं। आप खुद बताएं भला मुराद जाकर कहाँ ढूंढेगा दादा जान को, खुद ही आ जाएंगे, परेशान ना हो। कुछ तो सोच, कुछ तो। मैंने तुझे इसलिए कहा है कि उसके ताल्लुकात ज्यादा हैं। अरे अम्मी, मुराद को यहाँ ऑफिस में ऑलरेडी बहुत से काम होते हैं। अगर तू चाहती है कि मैं वहाँ नहीं आऊँ तो सीधा जाके अपने मियाँ से बोल के ढूंढे उन्हें। ठीक है मैं बात करती हूँ उससे। ये बात हुई। आइए। सॉरी कहने आई हो? मुझे मजीद टेंशन मत दो, मैं अम्मी के कहने पर आई हूँ यहाँ। तुमने दादा को ढूंढने का कहा था उनसे? हाँ कहा था, जैसी कोई खबर आएगी बता दूंगा। और ये खबर कहाँ से आएगी? पुलिस से, वो लोग दादा की फोन की लोकेशन मालूम करके बताएंगे। हंसने की क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही जा रही हूँ मैं। वेट 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 वेट, पूरी बात तुम नहीं सुनती, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है।
क्योंकि अगर तुम मुझे मेरी मिस्टेक नहीं बताओगे तो मुझे जाकर पता करना पड़ेगा कि गलती क्या है। कैसे पता चलेगा? मैं अपनी सब गलतियों के बारे में सोचूंगी। मेरी सबसे बड़ी गलती कि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया ये जानते हुए कि तुम एक इंतहाई घमंडी इंसान हो मुराद। यानी फिर से मैं कसूरवार रहा, लगा दिया ना इल्जाम। नहीं हयात, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। आखिर तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? मैं मजीद गलतियां नहीं करना चाहती। देखो, तुम चाहे जितनी भी गलतियां करो लेकिन मैं मोहब्बत करता रहूंगा, और जब भी तुम कुछ तोड़ोगी मैं दोबारा से जोड़ लूंगा, चाहे वो मेरा दिल ही क्यों ना हो। मैं से यार अभी मेरे पास बहुत काम है। मेरे पास भी बहुत काम है। टूल के साथ बहुत बिजी हूं मैं मुराद, सांस लेने का भी टाइम नहीं। जबरदस्त, चलो पहले काम निपटा लेते हैं, फिर हमारे पास बहुत टाइम होगा दादा को ढूंढने के लिए। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? कॉफी बना सकती हो तुम मेरे लिए? ये काम तो बहुत आसान है। तुम भूल रहे हो, पार्टनर हूं मैं इस कंपनी में। अगर तुम्हें कॉफी ही पीनी है तो तुम चाला से भी कह सकते हो। लेकिन आज तुम्हारे हाथ की कॉफी पीने का दिल, कॉफी के बहाने तुम्हें रोकना था बस।